हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो आज का वीडियो जो है लेकर आ गए हैं आप लोग का, किसका? संस्कृत का, जो एग्ज़ाम में चल रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा जो लिया जा रहा है हर स्कूल और कॉलेज में, यानी स्कूल में आपका 10th का मासिक टेस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस मासिक यानी मास सितंबर मास के क्वेश्चन संस्कृत का हम उत्तर लेके आ गए हैं, ठीक है। आपका जो टेस्ट हुआ है आज से स्टार्ट है सभी जगह, बिहार बोर्ड के द्वारा रूटीन रिलीज कर दिया गया था कि 25 सितंबर से टेस्ट होने वाला है स्कूल में, ठीक है, हर स्कूल में मासिक टेस्ट। तो सितंबर महीने का संस्कृत का टेस्ट का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ आप लोग, इससे आप जो बनाए होंगे एग्ज़ाम में उसको मैच करें कि आपका उत्तर सही कितना सही है। 30 में से कुल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था जिसमें आपको टाइम दिया गया था 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। सब्जेक्ट कोड देख लीजिए, विषय कोड 105 है आपका। जितने भी 10 क्लास के बच्चे हैं सबका एग्ज़ाम सेम क्वेश्चन यही था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें से देखिए, कुल 30 प्रश्न दिया हुआ था, इसमें आपको 25 क्वेश्चन बनाना था, कुल बनाना था। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है मूल संकर किसके बचपन का नाम था। तो ये किसके बचपन का नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। गायंती देवा किल गीतकानी किस पाठ से ली गई है, तो ये किस पाठ से है, भारत महिमा। अगला, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा किसने उत्तीर्ण की, राम प्रवेश राम ने। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो कौन थे, स्वामी बिरजानंद थे। अगला 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब, 1875 में। कर्मवीर कथा पाठ के अनुसार लक्ष्मी कैसे पुरुष को वर्णन करती है, तो कैसे, उद्योगी पुरुष को। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, किसका उपासक था, शिव का। ये आप लोग कहानी में पढ़े होंगे दयानंद सरस्वती की कहानी में, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये कुल आपका ये जो क्वेश्चन है स्कूल में मासिक टेस्ट जो होता है उसका सितंबर मास का जो संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ उसका उत्तर हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप लोगों का जो दोस्त होगा जो एग्ज़ाम दिया है वो लोग उसको भी शेयर कर दें जिससे वो भी अपना आंसर मैच कर सके। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद के गुरु कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे, मथुरा में। बिना बुलाए कौन प्रवेश करता है, तो मूर्ख। अगला, काम क्रोध और लोभ से किसकी प्राप्ति होती है, किसकी, नरक की। अक्षारा में किस प्रकार का संस्कार है, किस प्रकार का, ये होगा आपका शिक्षा संस्कार। सर्व शुक्ला सरस्वती महाकवि दंडी ने किसे कहा, तो किसे कहा, विजयांका को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर समय में हर एग्जाम में मिलता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उल्लिखित है, तो किससे, मुंडोक निषद से। कौमुदी महोत्सव का शासनकाल क्या मनाया गया, मतलब कब मनाया जाता था, किस शासनकाल में, गुप्त काल में। अगला, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, 1883 में हुई। अगला, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि पता है आपको 3 प्रकार की होती है, स्वर्ग विसर्ग और स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। गुण संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें, तो इसमें कौन सा उदाहरण, 17 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। यक्षति किस लकार का रूप है, तो यक्षति पता है आपको किस लकार का रूप है, ये जिसको बोलते हैं हम लोग वर्तमान अलर्ट लकार का। अगला, 18 19 नंबर, पठनम में किस कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो किसका है, ल्यूट का। अगला, अष्टाध्यायी किस समास का उदाहरण दिया, अष्ट इसमें आगे में यानी संख्यावाचक, ये द्विगी होगा इसका उत्तर। अगला, गायिका पद में किस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें होगा आपका सी, टाप स्त्री प्रत्यय का। अधुना अहम गृहम गमिष्यामि वाक में प्रयुक्त अव्यय पद क्या है, तो अधुना इसमें है आपका अव्यय, ठीक है। क्या है यहाँ, अस्तुत्व संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, तथ जो टीका। अगला, मानव पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, 24 का क्या उत्तर हो जाएगा, ए, अन। पठितवान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो 25 का उत्तर हो जाएगा बी, कत्वतु, ठीक है। अगला, 26 संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल 22 है। गरियान पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, 27 का क्या उत्तर हो जाएगा, सी, गुरु जोड़यान। अगला, 28 व्याघ्रात भयम किस समास का विग्रह है, तो ये किसका होगा, 28 का क्या उत्तर हो जाएगा, ए, तत्पुरुष समास का, यानी बाघ से डर भय। स इतस्ततः भ्रमति वाक्य में रेखांकित पद किस का उदाहरण है, इतस्ततः, इतस्ततः किसका उदाहरण होता है, यह आपका क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अगला, अत्र अव्यय का अर्थ क्या है, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। तो ये कुल 30 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में आज आए थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी आप लोग बुक से आसानी से खोज सकते हैं, जिसमें आपको कुल दिए हुए थे यहाँ कितना प्रश्न, जिसमें से आपको कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, आपका 3 3 6 4 10 10 में से 5 का देना था। आगे भी था आपका 3 प्रश्न, इधर भी है डिस्क्रिप्टिव में, उसके बाद एक निबंध यानी 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो ये था कुल प्रश्न आपका, आप लोग इसे मैच करें कितना सही है आपका 25 में से, तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपका एग्ज़ाम है आपको सभी विषयों का यहाँ पर इस चैनल में आपको उत्तर मिल जाएगा।
एमसीक्यू का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।